जी दोस्तों, हम फाइनली हम लोग आ गए टेरेस पे लंच के लिए। ये देखिए लाडो और लाडो की मम्मी दोनों लोग लंच निकाल लेंगे। तब तक आइए, हम आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं। दोस्तों आज मुकरब वाराणसी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग वाराणसी टू मनाली के लिए जा रहे हैं, और बनारस से मनाली कैसे कैसे जाना है उसके बारे में आपको आगे बताएं। मेरी बिटिया, मेरे भाई, हम सब लोग जा रहे हैं मनाली घूमने के लिए। पहले हम दिल्ली जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से भाई बस मनाली जाएंगे, और इस हमारे सफ़र का हम लोग पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे। कैसे बनारस से हम लोग मनाली जा रहे हैं, कितना खर्च होगा और कैसे हम लोग जाना है, सब आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बनारस स्टेशन है जिसका नाम पहले मड़ुआडी था, अब इसका नाम चेंज करके बनारस कर दिया गया है। यहाँ से हम लोग अपना ट्रेन की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बनारस स्टेशन पे बहुत ही खूबसूरत चित्र बना हुआ है, भोलेनाथ का और माँ पार्वती जी का। काशी में दोस्तों आपका भव्य स्वागत है। आइए चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं अपनी ट्रिप की तरफ, मनाली की तरफ। चलिए ट्रेन में कंबल न मिले उसे हम लोग को जैकेट पहनना पड़ गया, जो हम लोग मनाली के लिए लेके निकले हुए थे। शुक्र है कि हम लोगों ने जैकेट लिया हुआ था, नहीं तो ट्रेन में ही हम लोग की कुल्फी जम गई होती। बहुत ज़्यादा ठंड था। स्ट्रेटेजी हो गया था, हमने थर्ड एसी का टिकट बुक किया था और सेकंड एसी आर एसी था, तो सेकंड एसी थर्ड एसी की जगह सेकंड एसी में अलर्ट हो गया। ये रेलवे इंडियन रेलवे की बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको इन्होंने सुधारा है। थैंक फॉर इंडियन रेलवे। ये देखिए हमारी गुड़िया लाडो। अब हम लोग बहुत जल्दी दिल्ली में स्टेशन पहुंच जाएंगे, उसके बाद वहां से हम लोग बाई बस मनाली के लिए मीनस रात 8 बजे हमारी बस है। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, आकर आ गए दिल्ली आ गए, और यहाँ से अब हम लोग होटल स्टे करेंगे, उसके बाद जाएंगे मनाली के। चलिए चलते हैं, इस समय लोग आनंद भी आकर मनाते हैं। ये हमारी इंडिया है, आ रही है। हाय बोलो। दोस्तों अब हम लोग दिल्ली के लिए निकल चुके हैं,
के लाडो, लाडो चूसा कितना कूल लग रहा है। आए बोलो लाडो क्यों मारोगे। चलो दोस्तों अब हम लोग अपने होटल तकसीन में आ गए हैं। दोस्तों हम फाइनली हम लोग अपने रूम में आ गए हैं। ये तकसीन होटल है, हमारे मित्र हैं उन्हीं का है, दिल्ली में हम लोग आते हैं तो यही रुकते हैं उसे। आप भी आके यहाँ पर रुक सकते हैं। अगर रूम दिखा दे रहे हैं, नीचे चलेंगे तो मल्टी वाइट आपको मिला भी देंगे। शाम को हम लोग की बस है, फिर उसके बाद हम लोग मनाली के लिए निकलेंगे और मनाली का सफ़र कैसे होगा, कितना अच्छा होगा वो आपको हम दिखाएंगे। अरे लाडो गुस्सा है क्या? गुस्सा हो गई क्या? क्यों गुस्सा हो जी? और ला चश्मा पहन के सो गई है। ओहो आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं। लाडू क्या क्या ऑर्डर किए लाडू? चाउमीन डोसा। आज दोस्तों लोग चाउमीन और डोसा खाएंगे करुल बाग में। दोस्तों अब हम आ गए बस स्टैंड पे। दोस्तों फाइनली मनाली बस के लिए, हमारी बस 6:30 बोर्डिंग क्लियर। हम लोग 1 घंटे पहले ही आ गए हैं और ये हमारी बुकिया देखिए बहुत शैतानी कर रही है। तो हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है और हम लोग यहाँ से बस से सीधे डायरेक्ट मनाली जाएंगे। बस में बैठने से लेकर मनाली से पहुँचने तक का सफर आपको हम दिखाएंगे। पार्ट 3 हमारा रहेगा मनाली का पूरा सफर। मनाली में कहाँ कहाँ कौन कौन से काम जहाँ घूमने वाले हैं, कैसे होटल लेना है, कैसे वहाँ कट करना है, सब हम आपको दिखाएंगे। फाइनली दोस्तों ये बस हमारी आ गई है और हम लोग यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे मनाली के लिए। चलेंगे मनाली, मनाली में कैसे कैसे जाना है और कहाँ कहाँ पर खाना खाना है, कहाँ के ढाबे में रुकेगा, हम सारे दिखाएँगे आपको। हम मनाली तक पहुँचने तक हम आपको ले चलेंगे।